नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार हजारों शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो एक लेटर बीपीएससी को भेजा गया उसमें शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया है। और उसमें शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि चूंकि अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया, इसलिए टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं किया जाए। जब हमने बीपीएससी से संपर्क किया तो बीपीएससी का यह कहना है कि 13 जनवरी तक हम आपत्ति मांगे थे अभ्यर्थियों से, टीआरई 2.0 से संबंधित जो भी आपत्ति है अभ्यर्थियों का वो 13 जनवरी तक दर्ज कर सकते थे, और 13 जनवरी के बाद उन आपत्तियों पर हम विचार कर रहे हैं, उसके बाद ही हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन चूंकि अब शिक्षा विभाग ने मना कर दिया है तो इसलिए हम शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी वैकेंसी थी उस पर, जो भी वैकेंसी थी उस पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर सकते जब तक कि शिक्षा विभाग न कहे, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अब मना कर दिया है। बाकी जो वेलफेयर वाला है उसका हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अभी तक मना नहीं किया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने चूंकि मना किया इसलिए शिक्षा विभाग से संबंधित जो वैकेंसी है उस पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी है, सामंजस्य की कमी है। बीपीएससी टीआरई 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो बहुत बाद में जारी हुआ था, और उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले का काउंसलिंग टीआरई 2.0 के काउंसलिंग के साथ हुआ, और बीपीएससी टीआरई 1.0 के कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट तो अभी कुछ दिन पहले दिया गया है, तो वहां तो कोई देरी नहीं हुई, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 में तो देरी हो गई। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि बहुत ज्यादा देरी हो गई है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो तालमेल की कमी है, सामंजस्य की कमी है, उसका नुकसान हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को हो रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों से और बीपीएससी के अधिकारियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आपस में तालमेल बिठाइए, सामंजस्य स्थापित कीजिए और हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का आप जल्द से जल्द जारी कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 13 जनवरी को जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे गांधी मैदान में, तो वहां भी उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, तो फिर अब मना क्यों किया जा रहा है। हम बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों से आग्रह कर रहे हैं कि आपस में आप लोग तालमेल बिठाइए। जब बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा, तो उनकी बातों का अवहेलना क्यों किया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री की बातों की क्या महत्व है, उनका क्या वैल्यू है, ये समझना चाहिए। उनकी बातों का अवहेलना नहीं होना चाहिए। इसलिए हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बीपीएससी के अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कीजिए। और शिक्षा विभाग से हम आग्रह कर रहे हैं, और खासकर के पाठक सर से हम आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी को एक लेटर भेजिए सर, और जिसमें एक डेट निर्धारित कर दीजिए कि इस तारीख तक बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। ऐसा एक लेटर आप भेजिए ताकि हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके, क्योंकि टीआरई 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब जारी हुआ तो टीआरई 2.0 का भी जारी होना चाहिए। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी उम्मीद लगाए हैं, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि उनको मिली हुई नौकरी उनसे छीन ली गई, तो ये तो अन्याय हो जाएगा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। इसलिए हम शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों से और खासकर के पाठक सर से आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी को एक लेटर भेजिए जिसमें तारीख का जिक्र कर दीजिए कि इस तारीख तक टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह कर रहे हैं, इस मामले को संज्ञान में लीजिए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बीपीएससी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दीजिए कि आपस में सामंजस्य स्थापित करें दोनों विभाग, और जल्द से जल्द टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि हजारों शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो, और टीआरई 1.0 की तरह टीआरई 2.0 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाए और इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होने से हजारों शिक्षक अभ्यर्थी मर्माहत है, आहत है, और वो लोग आंदोलन के लिए बोल रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग को मजबूरी में सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते कि हम कोई आंदोलन करें, लेकिन अगर इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा तो मजबूरी में हमें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन करे। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और शिक्षा विभाग और बीपीएससी को दिशा निर्देश दीजिए कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए।